नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जो छात्र हैं उनके लिए जो नई अपडेट निकल के आ रही है, नई न्यूज निकल के आ रही है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको ए टू जेड मिलने वाली। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसमें दो बड़ी अपडेट हैं, एक एक करके हम दोनों बताएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से हो और आपको जानना भी जरूरी हो, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। डे बाई हम आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से ये अपडेट आई है। तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिखिएगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहली बड़ी अपडेट कौन सी है और कौन सी यूनिवर्सिटी से किन छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये खासकर इम्पॉर्टेंट है राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या इससे संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उन छात्रों के लिए। यहाँ पर लिखा है कि यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 17 सितंबर से, ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। डिटेल में आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए हम दूसरी यूनिट पे आ जाते हैं, यानी दूसरी पोस्ट पे। लिखा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 17 सितंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी। इनमें बीएससी और बीकॉम की परीक्षाएं सितंबर में ही पूरी कर ली जाएंगी और बीए की परीक्षाएं अक्टूबर तक चलेंगी। छात्रों के प्रवेश पत्र 6 सितंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक राकेश राव ने बताया कि सरकार ने द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी प्रमोट किया था और उनकी परीक्षाएँ दिसंबर तक कराने के लिए गाइडलाइन निकाली थी, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं की तैयारी दूसरी लहर से पहले ही कर रखी थी। परीक्षा में करीब 1.5 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। परीक्षा में तृतीय वर्ष की तरह ही गाइडलाइन अपनाई जाएंगी। पेपर 1.5 घंटे का होगा और 50% पेपर हल करना होगा। और गौरतलब कि कोरोना के चलते सरकार ने प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया था और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी प्रमोट किया था, ठीक है। और तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने की घोषणा की थी विश्वविद्यालय की ओर से। तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएँ हैं वो कंडक्ट करा ली गई हैं, ठीक है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो छात्र थे, इसमें से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट करने की बात कही थी। जो फर्स्ट ईयर वाले छात्र थे बीए, बीएससी, बीकॉम के, उनको कहा गया था कि प्रॉपरली प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर वाले जो छात्र थे उनको बताया गया था उनको अस्थायी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अस्थायी का मतलब ये हो गया कि अभी के लिए प्रमोट किया जाएगा, अगर आने वाले दिनों में सिचुएशन सही होती है तो हम सेकेंड ईयर वालों की परीक्षाएँ कराएंगे, ठीक है। और जो थर्ड ईयर वाले हैं उन छात्रों को तो फाइनल ईयर शुरू में ही कह दिया गया था कि फाइनल ईयर यानी तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो किसी हर हाल में कराई ही जाएंगी, इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। यानी कि अब द्वितीय और थर्ड ईयर वाले की परीक्षा, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ कराई जाएंगी। यानी कि तृतीय वर्ष की तो लगभग हो चुकी हैं, अब सेकेंड ईयर की यानी कि द्वितीय वर्ष की जो परीक्षाएँ हैं वो 17 सितंबर से कंडक्ट कराई जाएंगी। इसके लिए आप लोग स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये आपको जानना जरूरी, तो आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो जारी रखें, क्योंकि आप सभी की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। अब बात करते हैं अगली जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बात है, ये अपडेट है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ओपन करने की बात कही गई, यानी कि रेगुलर क्लासेस चलने के बारे में। लिखा है कि डीयू खोलने पर अगले सप्ताह होगा विचार। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो ओपन करने का प्लान है वो अगले सप्ताह पे विचार किया जाएगा, रजिस्ट्रार ने कहा है। यानी कि पुनः जैसे कि आज के 2 साल पहले जब कोविड नहीं था तो क्लासेस की जाती थी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ओपन होते थे, उसी के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट किया कि अगले सप्ताह रजिस्ट्रार ने कहा इस पर विचार किया जाएगा। तो आई होप जल्द ही हम आशा करते हैं कि फिर से कोविड हटे और छात्र रेगुलर क्लासेज करें और उनको पूरी तरह से उनको किसी भी परेशानी को फेस ना करना पड़े। तो हो सकता है कि जब ये यूनिवर्सिटी ओपन कर दे कॉलेज और छात्र कॉलेजों को तो छात्र रेगुलर आएंगे, तो इसी भांति अन्य यूनिवर्सिटी और कॉलेज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले देखना होगा कि कोविड की सिचुएशन कैसी है और ये यूनिवर्सिटी खोलती है या नहीं खोलती है, ठीक है, कॉलेजों को। तो जैसे भी कोई अपडेट आएगी फाइनली अगले सप्ताह तो हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।